हेलो दोस्तों वेलकम टू पायोस करियर कैटालिस्ट सीरीज पायोस लर्न द स्मार्टर वे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक क्वेश्चन पूछा है इफ वी हैव से 5 मीटर क्यूब टैंक एंड वी हैव टू एम्प्टी दैट टैंक बाय ग्रेविटी एंड वी हैव टू सिनेरियोस इन फर्स्ट सिनेरियो वी हैव फोर इंच लाइन एंड अदर सिनेरियो वी हैव फोर लाइंस ऑफ 1 इंच इन व्हिच केस द टैंक विल एम्प्टी फास्ट सोल्व दिस प्रॉब्लम एंड गिव अस टाइमिंग ऑफ बोथ द केसेस ओके हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना है देखो यह क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब क्या है यह आपका बेसिकली लाइन साइजिंग का क्वेश्चन है ये समझ लो देखो सबसे पहले हम दोनों सिनारियों कंसिडर करते हैं। देखो हमारे पास पाँच मीटर क्यूब का टैंक है पहला केस है फोर इंच का एक लाइन है और दूसरे केस में एक इंच के चार लाइन से समझ रहे ओके अब सबसे पहले हम क्या करते हैं एरिया कैलकुलेट करते हैं देखो एरिया अगर आप फोर इंच डाया वाले पाइप का कैलकुलेट करते हो तो आपका कैलकुलेशन कैसे बनेगा पाई बाय फोर डी स्क्वायर आपका डायमीटर कितना है डी इज इक्वल टू फोर इंच मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड हंड्रेड डिवाइडेड बाय थाउजेंड इसका मतलब जीरो पॉइंट वन मीटर क्लियर है अगर आप सेकेंड केस में देखते हो तो आपके पास वन इंच का लाइन है तो इस केस में आपका डायमीटर कितना बनेगा जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव मीटर क्लियर है ओके okay. अब एरिया इज इक्वल टू क्या है पाई बाय फोर डी स्क्वेयर जीरो पॉइंट सेवन एट फाइव इंटू डायमीटर आपका जीरो पॉइंट वन का स्क्वेयर अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको एरिया मिलेगा जीरो पॉइंट डबल जीरो सेवन एट फाइव क्लियर है अगर दूसरे केस में आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या बनेगा पाई बाय फोर डी स्क्वायर डायमीटर कितना है आपका जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा पाई बाय फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव होल स्क्वायर अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फोर नाइन मीटर स्क्वायर क्लियर है ये आपका एरिया आ गया अब देखो फ्लोरेट का फॉर्मूला क्या है क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया अब जब भी हम ग्रेविटी लाइन साइज करते तब हम क्या करते 1 वन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एज्यूम करते ओके अब इस केस में भी हम यही एज्यूम करते हैं कि उस पाइप में से वन मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जा रही है ओके एक फॉर्मूला भी है अंडर टू जी एच लेकिन यह फार्मूला पाइप में कितना फ्लोरेट जाएगा उसके हिसाब से नहीं है इसलिए हम वन मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी यहाँ पे एज्यूम करते हैं ओके अब यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी वन एज्यूम करते हो तो आपका फ्लोरेट कितना बनेगा एरिया के वैल्यू की जितना ही बनेगा लेकिन मीटर क्यूब पर आवर में आएगा तो फर्स्ट केस में आपका फ्लोरेट कितना आएगा जीरो पॉइंट जी डबल जीरो सेवन एट फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड ओके क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है और एरिया मीटर स्क्वेयर में अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड मिलेगा समझ लो दूसरे सिनारियों में आपका फ्लोरेट जो बनेगा वो बनेगा जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फोर नाइन मीटर क्यूब पर सेकेंड लेकिन अब इस केस में क्या है एक इंच की चार लाइन से तो टोटल फ्लोरेट कितना बनेगा क्यू टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट अगर आप इसे चार से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर आएगा जीरो पॉइंट डबल जीरो टू मीटर क्यूब पर सेकेंड क्लियर है अब ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है इसे हम मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा इसे आपको थ्री सिक्स डबल जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे भी आपको थ्री सिक्स डबल जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका आंसर क्या आएगा क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी एट मीटर क्यूब पर आवर और इसका आंसर कितना आएगा सेवन मीटर क्यूब पर आवर अब देखो यहाँ से जो ड्रेन हो रहा है ना वो आपका 28 मीटर क्यूब पर आवर से ड्रेन हो रहा है और यहाँ से 7 मीटर क्यूब पर आवर से ड्रेन हो रहा है इसका मतलब जो आपका फर्स्ट केस है उस केस में आपका टैंक फास्ट एम होगा अब टाइम कितना लगेगा देखो यहाँ पे क्या है 28 मीटर क्यूब एक घंटे में खाली हो रहा है इसका मतलब 60 मिनट में 28 एट मीटर क्यूब ओके तो 5 मीटर क्यूब खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा फाइव इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट और इस केस में अगर आप देखते हो तो क्या है सिक्सटी मिनट में अगर आपका सात मीटर क्यूब खाली हो रहा है तो पाँच मीटर क्यूब खाली होने के लिए कितना लगेगा फाइव इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाई सेवन आप देखो इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको क्या आंसर आता है पहले सिनारी में आपको आंसर मिलेगा टेन पॉइंट सेवन वन मिनिट्स ओके okay? और दूसरे सिनारीओ में आपको आंसर मिलेगा 42.8 मिनट्स क्लियर है मतलब आप अगर ये दोनों केसेस कंपेयर करते हो तो आपको कम टाइम फर्स्ट सिनारी में ही लग रहा है इसका मतलब पहले सिनारीयो में आपका टैंक फास्ट खाली होगा और वो जो उसको जितना टाइम लगेगा वो रहेगा 10.71 मिनट क्लियर है चलो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ लो हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे चलो थैंक यू ऑल द बेस्ट स्मार्टर वे